वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से आज ना सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले लोग बल्कि आज छोटे छोटे शहर में रहने वाले लोग भी जहरीली हवा में सांसें लेने के लिए मजबूर हैं। और आज इन हवाओं में कितना ज़्यादा जहर है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की मदद से हम बखूबी जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन जहरीली हवाओं में सांस लेने और छोड़ने की वजह से कई सारी बीमारियां तो मुफ्त में हमें मिल जाती है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसी हवाओं में सांस लेने से जब बीमारियां हो जाती हैं तो क्या प्राणायाम का अभ्यास करना उचित होगा? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आज के टाइम पे और इस सवाल का जवाब देना बेहद ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि इस सवाल का जवाब आप खुद दें। आज के टाइम पे प्राणायाम को बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं या वो समझते हैं कि प्राणायाम एक एक्सरसाइज का ही एक रूप है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपको ना सिर्फ फिजिकल बेनिफिट बल्कि मेंटल बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राणायाम आखिर है क्या। प्राणायाम को अगर संधि विच्छेद करें या दो पार्ट्स में डिवाइड करें, प्राणायाम, प्राण का मतलब लाइफ फोर्स, वो एनर्जी, वो ऊर्जा जिसकी वजह से आप और हम जीवित हैं, शरीर की सभी नस नाड़ियों से होती हुई, सभी शरीर के अलग अलग अंगों से होती हुई, ये वो ऊर्जा है जो हमें और आपको जीवित रखती है। आयाम का मतलब हुआ इस प्राण का विस्तार करना। तो इस तरीके से प्राणायाम का आप जब मतलब समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि प्राणायाम का मतलब सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं बल्कि अपनी खुद की सांसों का, इस प्राण ऊर्जा का, प्राण शक्ति का विस्तार करना। कि प्राणायाम का अभ्यास तो आपको करना ही करना चाहिए क्योंकि ये कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, इसके फिजिकल के साथ साथ बहुत से बेनिफिट हैं। और साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का कि प्राणायाम किस वक्त और किस जगह पे करना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से तीन ऐसे मुख्य प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ वो छोटे छोटे टिप्स जिनको आप ध्यान में रखें और प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे पूरा यकीन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम करने का वक्त वो सही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राणायाम का अभ्यास आपको अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, जिस वक्त ट्रैफिक भी कम होता है, जिस वक्त पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर 7 या 8 बजे तक आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी बात कि प्राणायाम का अभ्यास जिस जगह पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको और समझाना चाहूँगी कि मान लो दिल्ली जैसी जगह ही है तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हर एक लोकेशन में जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ा हुआ है। कोई ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, आसपास बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर है, तो वहाँ पे तो आपको प्राणायाम कोशिश करना चाहिए इनडोर यानी घर के अंदर ही करना चाहिए। हाँ, बहुत सी ऐसी जगहें भी होंगी जहाँ पर कि आसपास पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, काफी ज्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है या बहुत इंडस्ट्रीज नहीं है जिसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल थोड़ा कम है। तो आप क्या कर सकते हैं, घर के अंदर ही खिड़कियों को खोल के आसपास पेड़ पौधे हों वहाँ कर सकते हैं, या कि आसपास कोई ऐसा पार्क है जहाँ पे अच्छा तरोताजगी आप महसूस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप वहाँ पर भी जाके प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आपके शहर का या आप जहाँ पे रह रहे हैं लोकल, वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल क्या है। कोशिश कीजिए आप अपने आसपास जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं ताकि जो आज हम परेशानियाँ झेल रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन ना झेले। कोशिश करें घर से बाहर जाना जितना कम कर सकते हैं। हाँ, आपका काम बाहर जाने का ही है तो उसमें कुछ भी आप इलाज नहीं कर सकते हैं। बाहर जब भी जाइए कोशिश करें फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बॉडी पूरी तरीके से ढकी हो,
मास्क का इस्तेमाल करें और जब भी घर वापस आएं तो उन कपड़ों को ज़रूर बदलें, उन कपड़ों को साफ होने के लिए डाल दें और आराम से फिर नहा लें। तो इस तरीके से आप उस पॉल्यूशन से बच सकते हैं। आपके घर पे जितने भी पर्दे हैं, चादर हैं, उनको रेगुलरली वॉश करते रहिए, क्योंकि वो भी आपके घर पे जो इंडोर पॉल्यूशन है उसको कम करने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा घर के अंदर ही आप अगर जो नेचुरल एयर प्यूरीफायर करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको लगा सकते हैं, जैसे कि एरिका पाम हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, ऐसे और भी कई सारे आप जब अपने घर के आसपास की नर्सरी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एयर प्यूरीफाई करने के लिए कौन कौन से इंडोर प्लांट आप लगा सकते हैं। तो घर पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट लगाइए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी ऑलरेडी तबीयत खराब है, उनको ब्रीदिंग रिलेटेड परेशानियां हैं, तो एक अच्छे एयर प्यूरीफायर में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपने खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी आपके खाने से ही डेवलप होगी प्राणायाम और योग के अभ्यास की मदद से। तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए जो विटामिन्स और मिनरल्स जिसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित हों, और साथ ही ये ध्यान रखें कि नींद जो आपकी है वो पूरी प्रॉपर और गहरी है। आधी नींद से आपकी इम्यूनिटी भी काम नहीं करेगी, आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे और कोई भी बीमारी आपको आसानी से घर कर लेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यूकेलिप्टस का जो ऑयल है उसको कम पानी में 2 से 3 ड्रॉप डाल के उसकी जो भाप है उसको ले सकते हैं। ये आपके लंग्स को नेचुरली प्यूरिफाई करेगा। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 मुख्य प्राणायाम जिसका अभ्यास आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो हर दिन जब आप सुबह 7 बजे मेरे साथ अभ्यास करते हैं तो आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आप डेवलप करते हैं, जो डिसिप्लिन आप थ्रू आउट द लाइफ फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो शारीरिक, मानसिक हर तरीके के तनाव से आप दूर रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। साथ ही अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ कंडीशन से हैं तो उनसे उभरने में भी योग अभ्यास आपको मदद कर सकता है। आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग मेडिकेशन है उसके साथ साथ योग अभ्यास भी ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको डबल बेनिफिट हो, आप जल्दी से उन हेल्थ कंडीशन से उभर सके। आप जब इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करते हैं ना तो आपको हर एक योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्लिंजिंग टेक्निक और भी बहुत सी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। चूंकि ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से कंडक्ट होती हैं तो इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। उनको उनकी हेल्थ कंडीशन जैसे PCOD, PCOS की समस्या, थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी की समस्या, जॉइंट्स में पेन रहता है, बहुत स्ट्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन की समस्या है, तो इनसे उभरने में बहुत मदद मिलती है और बहुत से स्टूडेंट्स को लाभ भी मिला है। अब अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे या जूम की मदद से नहीं ज्वाइन कर सकते हैं ड्यू टू योर बिजी शेड्यूल या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं आप, तो आप मेरे द्वारा डेवलप किया हुआ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स है, ये कोर्स जो है प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स है, और भी बहुत से अपकमिंग कोर्सेज जो हैं डेवलप हो रहे हैं। इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी वक्त आप ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार आपको पेमेंट करने के बाद पूरे साल का एक्सेस मिल जाता है, और इन कोर्स को आप जब पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा। साथ ही अगर आप वेबसाइट नहीं विज़िट करना चाहते हैं तो नीचे जो ये व्हाट्सएप नंबर है इसमें बस एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दें और आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल मेरी टीम के द्वारा भेज दी जाएगी। आइए अब मैं आपको बताती हूँ 3 वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्राणायाम जिसका अभ्यास आपको डेफिनेटली करना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहला प्राणायाम जो है भस्त्रिका का प्राणायाम, यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपकी ब्रेन की जो कार्यक्षमता है उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करेगा, और आपकी ब्रीदिंग के लिए, आपके लंग्स के अच्छे सेहत के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास? इसका अभ्यास आप 3 सेट कर लीजिएगा
और 2020 के रेपिटेशन या 20, 30, 40 ऐसे रेपिटेशन कर लीजिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक राउंड अभ्यास करके बता रही हूँ और उसमें रेपिटेशन में 20 का रख रही हूँ। तो कैसे करेंगे, गहरी लंबी सांस लें और दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएं। सांस लिया और सांस छोड़े, घुटने के ऊपर रख दें, आंखों को बंद रखें और सांसों का आराम से इस तरीके से जो भी चेंजेस हुए हैं उसको महसूस करें। अब आराम से आंखें बंद रखें और अपनी योगा मैट पर बैठे रहें ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन में, और जो जो भी बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं बस उसकी जानकारी बना लें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। दूसरा प्राणायाम जो आपको जरूर करना चाहिए उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसका अभ्यास मिनिमम आप 10 से 15 मिनट कर लें। इसमें कम से कम मैं आपको 3 जो राउंड है वो करके बता रही हूँ, 3 जो सेट है इनके वो करके बता रही हूँ किस तरीके से करना है। बड़ा सिंपल रखना है। कैसे, आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना है और उसको राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ना है बिना किसी रिटेंशन के। सांसों को नहीं रोकना है। सांस लेंगे लेफ्ट से और सांस छोड़ देंगे राइट से, फिर सांस लेंगे राइट से और सांस छोड़ देंगे लेफ्ट से। आप अपने राइट पाम की ऐसे मुट्ठी बना लें छोटी सी और विष्णु मुद्रा अडॉप्ट करें। अपनी छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को ऐसे उठा लें और अपने अंगूठे से अपने नाक को बंद कर लें, राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लें, धीरे धीरे सांस लें, 1, 2, 3, 4 सांस ले लिया है। अब अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रल से छोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर उसके बाद अपनी राइट नॉस्ट्रल से फिर से सांस लें, राइट को बंद कर दें और लेफ्ट से धीरे धीरे सांसों को छोड़ना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दो राउंड और देखिए। सांस लीजिए अपनी लेफ्ट से, छोड़ दीजिए अपनी राइट से, फिर सांस लीजिए अपनी राइट से और छोड़ दीजिए अपनी लेफ्ट से। एक बार और सांस लीजिए अपनी लेफ्ट से और छोड़ दीजिए अपनी राइट से, फिर सांस लीजिए अपनी राइट से और छोड़ दीजिए अपनी लेफ्ट से। आप अपने हाथ को घुटने पर ड्रॉप करें, आंखों को बंद रख के कुछ देर बैठें, कम से कम आधे से एक मिनट तक ऐसे ही आंखों को बंद करके बैठे रहें। तो जो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें इस पे रेशियो 1:2 का रखिए। जितनी सांस लीजिए उससे दोगुनी सांस छोड़िए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो जब आप ज़्यादा लंबी देर तक सांस छोड़ते हैं, बड़े आराम से धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हैं, तो क्या होता है, जो नई आने वाली सांसें हैं उसकी वजह से जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है वो इन्हांस होती है। साथ ही मानसिक तनाव को कम करने में अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो आपको पूरा का पूरा ब्रेन का फंक्शन है जो वो इम्प्रूव होगा। और इस तरीके से आजकल ये जो जहरीली सांसों को लेने और छोड़ने की वजह से जो मानसिक तनाव हो जाता है, ब्रेन एकदम एग्जॉस्टेड सा फील होता है, उससे आप बच सकेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या से आपको बचाता है। अब हम जो अगला तीसरा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स में तनाव होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है लोगों का अपने आप बड़ा होता है, एंग्शियस इसी तरीके से होते हैं, तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें तनाव कम करता है, मानसिक तनाव को कम करता है, गहरी प्यारी नींद लाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। तो मानसिक तनाव कम होगा, नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा, तो अपने आप प्यारी प्रॉपर नींद आएगी। जब प्यारी गहरी नींद आएगी तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही बूस्ट होगी और शरीर एकदम स्वस्थ रहने में मदद करेगा। तो भ्रामरी किस तरीके से करेंगे, सारे सेंस ऑर्गन्स को हमने बंद किया इस तरीके से, अंगूठे से दोनों कान को, अपनी उंगलियों से इंडेक्स फिंगर को
आँख के ऊपर रखा, अपनी मिडिल फिंगर को नाक के बेस पर और आँख के नीचे, और अपनी रिंग फिंगर को अपर लिप्स, लिटिल फिंगर को लोअर लिप्स, षणमुखी मुद्रा लगा दी। और ऐसा अभ्यास आप मिनिमम 9 राउंड्स करें, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको सिर्फ 3 मर्तबा ये अभ्यास करके बता रही हूँ। तो अपने सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद किया, अब अपनी जीभ को अपर पैलेट पर लगा दिया और पतली आवाज निकालेंगे, फीमेल हमिंग बी की आवाज निकालेंगे। कैसे? अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप करें, आंखों को बंद रखें और कम से कम 5 मिनट तक शांति से बैठे हुए इन प्राणायाम के वजह से जो भी बदलाव आप अपने मन, मस्तिष्क और शरीर में महसूस कर रहे हैं, इसकी जानकारी बना के रखें और शांति से बैठे रहें। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप हर दिन कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे शांत बैठ के अपनी सांसों को आता और जाता हुआ देखें। आप हर दिन 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान जरूर करें, मेडिटेट जरूर करें। इससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको शारीरिक लाभ, आपको मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ हुए हैं, यानी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट हुए हैं। और जो भी तनाव है वो धीरे धीरे कैसे कम होगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। मेरी बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा और कंसिस्टेंसी में अभ्यास करें, हर दिन अभ्यास करें। तो देखा आपने कितनी आसान थी ना आज की सारी प्रैक्टिसेस, और जो भी मैंने आपको बातें बताई वो आपके बहुत काम की होंगी और आपको अब जो है सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जी हाँ, आपको प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, बशर्ते कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जो कि मैंने वीडियोज़ में बताई है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो बिना किसी झिझक, बिना किसी संकोच के मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। आपके एक एक कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और अब जाने से पहले मुझे पक्का यकीन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ अगली किसी और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना खूब ध्यान रखें। नमस्ते।